जो पदाधिकारी एयर कंडीशन कमरा में और रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कागजों पर ही बना करके खत्म कर देते थे, अब वो परंपरा को खत्म करते हुए उन योजनाओं का गठरी बांध बांध करके, चाहे वो गांव कितना भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में क्यों ना हो, वहां जाकर के उनको देने का काम कर रहे हैं। अभी बहुत जल्द हम ऐसी व्यवस्था लाने जा रहे हैं कि एलईडी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा और वहां का गांव के लोगों से हम उस टीवी के माध्यम से सीधी तौर पर बात करेंगे। हम लोग का जो महुआ है, जिसका आज दलालों के माध्यम से और कई गलत तरीके से उसका उपयोग हो रहा है, आने वाला समय में इस महासंघ के माध्यम से महुआ पर भी एमएसपी हम लोग फिक्स करने का काम करेंगे और मजबूती के साथ इस महासंघ को आगे बढ़ाने का काम। हर साल उनकी याद में हम लोग यहां एकत्रित होते हैं। सरकार के द्वारा कई परिसंपत्तियां यहां बांटी जाती हैं ग्रामीणों को, किसी को राशन कार्ड, किसी को पेंशन का कार्ड, किसी को पशुधन का लाभ, किसी को स्वरोजगार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराना, खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति और विभागों में कई लोग अपने परिजनों के देहांत होने के बाद बरसों बरस अनुकंपा के इंतजार में रहने वाले उनकी नियुक्ति का कार्यक्रम आज इस मंच से किया गया है। आज आप देख रहे हैं कि दाएं बाएं कई सारी चीजें आपके सामने, कुछ स्टॉलें लगी हैं, ढेर सारी ट्रैक्टरें लगी हैं, एम्बुलेंस लगा हुआ है, एलईडी गाड़ी लगी हुई है। और सरकार का बिल्कुल स्पष्ट यह मानना है और सरकार के मुलाजिम, सरकार के कर्मचारी जिस चीज के लिए तनख्वाह उनको दिया जाता है, ये इस राज्य के ग्रामीणों को, किसानों को, मजदूरों को, हमारे स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, बच्चों को, आम नागरिकों के लिए क्या क्या सरकार बनाती है, योजनाएं कैसे कैसे आप लोगों के लिए हम बनाते हैं, उसकी जानकारी हर व्यक्ति को। इसीलिए हम लोग पंचायत स्तरों में कैंप लगाकर शिविर भी लगा रहे हैं, एलईडी गाड़ी के माध्यम से योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आज सरकार की योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीण स्तर के लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हमने ये महसूस किया था कि बहुत सारी काम, बहुत सारी योजनाएं जो पदाधिकारी एयर कंडीशन कमरा में और रांची के प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कागजों पर ही बना करके खत्म कर देते थे, अब वो परंपरा को खत्म करते हुए उन योजनाओं का गठरी बांध बांध करके, चाहे वो गांव कितना भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में क्यों ना हो, वहां जाकर के उनको देने का काम कर रहे हैं, ताकि इस राज्य के लोगों को उसका हक अधिकार मिल सके। आप सब लोग सरकार की योजनाओं का लाभ के बारे में, योजनाओं के बारे में जान रहे हैं। अभी बहुत जल्द हम ऐसी व्यवस्था लाने जा रहे हैं कि एलईडी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा
और वहां का गांव के लोगों से हम उस टीवी के माध्यम से सीधी तौर पर बात करेंगे। हम लोग का जो महुआ है जिसका आज दलालों के माध्यम से और कई गलत तरीके से उसका उपयोग हो रहा है, आने वाला समय में इस महासंघ के माध्यम से महुआ पर भी एमएसपी हम लोग फिक्स करने का काम करेंगे और मजबूती के साथ इस महासंघ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हांडे नोटे तो आखिरी गिरिया दरकार बनू तपया बाजार दुअर दुअर रेनुआ महासंघ रिया मीटंग बाजार ले तैयार लगी ताकि आप बिना हरकत के जागे आप जाओ दाउनारियास बेस दाम पे जाम टेन। आज इस लैंप स्पैक्स को अभी तो लगभग 1400 हम लोग का लैंप स्पैक्स के गोदाम है, अभी 500 मैट्रिक टन और 100 मैट्रिक टन वाला गोदाम भी बनना है जिसके लिए हम लोगों ने अभी 300 करोड़ रुपया कर्नांकित भी किया है।